मेहंदी वाले हाथों से खाके आया बड़ा आनंद। दो नैनों में जागी मस्ती, उड़ने लगी सुगंध। हे शिमला ही तेरी पसंद, बस चला शिमला। आइए दोस्तों, अब उस अदीम शख्सियत की तरफ चलें। अगर हम निगाह डालें पिछले 50 बरस का, अगर अहाता करें मुशायरे का, उर्दू मुशायरे का, तो एक शख्सियत ऐसी है कि जिसने अपनी सलाहियत से, अपने अलग अंदाज से, अपनी खूबसूरत शायरी से इंदौर का नाम आसमान पे लिख दिया, और ये शायर है डॉक्टर राहत इंदौरी। धरती पर आकाश के नीचे सात समंदर बिखरे हैं, आंखें छोटी पड़ जाती हैं, इतने मंजर बिखरे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर वाधवानी को मुबारकबाद पेश करता हूं इस खूबसूरत महफिल के लिए, और आज की इस महफिल का मुझे भी एक हिस्सेदार बनाया उन्होंने, इसके लिए उनका शुक्रिया, उनके पूरे परिवार का शुक्रिया। कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँच पाऊँ। मेरा ख्याल है आधी सदी हो गई मुझे शेर पढ़ते पढ़ते, लेकिन पहली बार डर लग रहा है मुझे आपसे इंदौर से, लेकिन देख लेता हूँ दो चार शेर पढ़ के। अभी 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 ये मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ। किशोर वाधवानी साहब, आपसे एक तरीके से मशवरा ले रहा हूँ, अगर इसमें कुछ मेरे फायदे का हो तो बताइएगा। सुने दोस्तों के सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, क्या कह रहा है वाधवानी साहब, बताइएगा मुझे कि मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। सबकी पगड़ी को कह रहा हूँ कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। क्या बात है, क्या सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, वाह, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, और पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। क्या बात है, क्या बात है, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, क्या बात है, क्या बात है, पी के जो मस्त हैं उनको संभाल, पी के जो मस्त हैं उनको संभाला जाए। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि अपनी अपना आवारा सर झुकाने, एक बार मुझे लग जाएगा कि आया मुझे इंदौर वालों के सामने शेर पढ़ना है, और एक बार मुझे लग जाएगा कि हाँ ये वही इंदौर वाले हैं, तो आप यकीन करना कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कुछ खदमत कर सकूँ। जी कहता हूँ कि अपना आवारा सर झुकाने को, ये सबने बता दिया मुझे कि ये पीछे के लोग जो हैं मेरे बहुत काम के लोग हैं, काय के अपना आगे वाले मायूस कतई ना हो, अपना आवारा सर झुकाने को, क्या बात है, तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह वाह, मजा लीजिएगा, एक मूड बना दीजिएगा, अपना आवारा सर झुकाने को, तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि ना दे, काम की चीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि ना दे, क्या बात है, काम की चीज देख लेता हूं। शकील भाई फिर सुनिएगा, क्या बात, कहीं टकरा तो नहीं रहा है, कहीं टकरा है तो बताना।
काम की चीज देख लेता हूँ। कह रहा हूँ कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। वाह गुरु महाराज, सुनिएगा सत्संग गुरु, आग के पास, ये थोड़ी तकलीफ थी मुझे, मैं बीमार चल रहा हूँ, वरना ये जो काम सत्तन दादा ने किया वैसा नहीं कर पाता मैं, लेकिन काम मैं भी कर देता वो काम। कह रहा हूँ कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। क्या बात है, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। क्या बात है, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर, यार शेर सुनना मेरे अच्छे इंदौरियों, हाथ लगाकर देखूं मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। अभी रुक बेटा रुक, जिंदगी मत जल्दी मत कर, किस वक्त बुलाती है और किस वक्त जाना ये सब बताऊंगा समझाऊंगा मैं। ये मैंने कहा था कि आगे वाले भी मायूस ना हो, तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि कुछ ताज़ा शेर ऐसे भी सुनाता जाऊं जो मुझे ये शिकायत किसी को ना रहे कि यार ये लड़कों के चक्कर में पड़ गया और ना जाने क्या क्या सुना के चला गया। सुनिए कि आँख में पानी रखो, आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो। क्या बात है, वाह, बस ऐसे सुन लो ना, वाह, आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, दोस्तों की कोई कमी थोड़ी है, दोस्तों की कोई कमी थोड़ी है अपने शहर में, मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो, दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में। क्या बात है, मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो। आप सुन के बताना कि मैं इंदौर में पढ़ रहा हूं और इंदौर का शायर पढ़ रहा है। वाह, कहता हूं कि मैं वसीम भाई शेर सुनिएगा, मैं वही कागज हूं धुम धड़ा का धमा चौकड़ी खुशबू साथ की लगी लौटनी की सुनू राजू ना मानी दिल लगी सुपारी बच्चों मुझको भूल न जाना, खुद भी खाना मुझे खिलाना, क्यों ना थोड़ी सी दिल लगी हो जाए, दिल लगी स्वीट सुपारी। जिसकी है हुकूमत को तलाश, क्या बात है वाह, दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में, मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो, मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। बहुत अच्छा है वाह, ये जरा सा जितना आपने सुना है उससे जरा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। क्या कहना है, क्या थोड़ा सा मतलब ये कि कुछ ज्यादा आपने कुछ जाती नहीं की मेरे साथ, लेकिन एक जरा सा काम हो जाता तो मुझे शिकायत नहीं रहती। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो, जिंदगी को साज सांसों को नई धुन कह दिया। क्या बात है, जिंदगी को साज, यहाँ पर मुझे एहसास है कि कुछ हमारी बच्चे भी बैठे हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं। एक बात बताना चाहूँगा तो ये शेर बदतमीजी से मत समझिएगा, शेर वाजे हो जाए और आप तक सब इंजॉय कर सकें, इसलिए मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ इंदौर में।
कि अल्लाह के इस्लामिक मेथोलॉजी में ये आया है कि अल्लाह के लबों पर हर वक्त दो लफ्ज़ होते हैं, हर वक्त, एक तो होता है कुन और दूसरा होता है फया कुन। जब वो कुन कहता है तो तमाम सृष्टि की, कायनात की रचना होती जाती है, और जब वो फया कुन कहता है तो तबाही आना शुरू हो जाती है, प्रलय तक पहुंच जाता है, कयामत तक आ जाती है। बस अब आसान हो जाएगा। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि ना भी ना हूं मैं, दृष्टिहीन, नेत्रहीन, कहता हूं कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि ना भी ना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि ना भी ना हूं मैं, वाह वाह, तीर मेरे हाथ में था, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको देखना तकरीर किया, तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। अखबार के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, दो एक बरस से ये चक्कर चल रहा है कि हम राइटर, शायर, सिनेमा मेकर, रंगमंच के लोग, नावी लिखना, अफसाना लिखना, जितने भी लोग कलम के हैं उनके पास ट्वीट्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि देखो भाई राहत इंदौरी, वो जो कलकत्ता में शेर पढ़ के आप आए हो वो आइंदा हिंदुस्तान में कहीं पढ़ मत देना वरना दुश्वारी हो जाएगी, और वो जो इंदौर में पढ़ा है वो दिल्ली में पढ़ देना, उदयपुर में मत पढ़ना, और वो जो नाम लेते फिर रहे हो आप शायरों के, उनके किसी के भी फला के, वो नाम लेना बिल्कुल बंद कर दो। ये नए नाम दे रहे हैं हम आपको, ये नए नाम हर आप कवि सम्मेलन में। तो साहब हम शरीफ लोग हैं कुल मिला के, तो आप सब जानते ही हैं मुझे, तो मैंने साहब डर के मारे पर नाम लेना मैंने बंद कर दिए। लेकिन सत्यन गुरु होता ये है कि इतने जहीन लोग हैं इस हिंदुस्तान के कि जिसका मैं नाम नहीं लेता हूँ वो समझ जाते हैं कि यार ये राहत ने जिसका नाम नहीं लिया है उसका नाम क्या है, ये सारा चक्कर पड़ जाता है। वाह, तुम्हें शेर में शेर सुनाता हूँ, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या इसमें तो पूरा यस, ये एक ही आदमी है जो इसके भरोसे चल रहा है मुशायरा। बहुत अच्छा है। लेकिन ये पढ़ा लिखा है, इससे अंदाजा लगा लो कि आप लोगों को क्या हो गया। खून में लथपथ हुआ मौसम, क्या बात है, तो फागुन कह दिया। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया, उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है। क्या बात है, देखिए मैंने कहा ना कि शरीफ आदमी नाम लेना बंद ही कर दिया। उसको उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। वाह वाह वाह, उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। इस जख्म और नाखून के बहुत शेर हैं गालिब के यहाँ पर। उसके मुंह से, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया, ये आखिरी शेर पीछे वालों के लिए काम का है। लेकिन देखना चाहता हूँ पीछे वालों कि कितना दम है आपकी आवाज में। मेरे मुंह से जख्म निकला, मेरे मुंह से जख्म निकला, पूरा शेर सुनने के बाद, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके।
खुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। वाह वाह वाह, मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। इन दिनों दोस्तों एक सोशल मीडिया पर एक बहुत एक शेर मेरा वायरल हो रहा है सारे देश भर में। जिस तरफ जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, स्टेशन पे उतरता हूँ तो लड़के चिल्लाते हैं, लड़कियाँ चिल्लाती हैं, जाने का नहीं, जाने का नहीं। मैं ये गज़ल सुनाता हूँ, यही वाली गज़ल, लेकिन आप कोशिश करूँगा कि इसमें वो भी सुना दूँ जो किसी भी तरीके से वायरल नहीं हुआ है और मोबाइल पे आपने नहीं सुना होगा। इजाज़त है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है। हो तुम क्यों गुमसुम गुमसुम, साथ मेरे आ जाओ तुम, आग आग लगा दे, आग 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 लगा दे शिमला, आग लगा दे, आग लगा दे शिमला, आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे शिमला, सब में आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे शिमला, आग लगा दे, आग लगा दे शिमला। Everybody come let's have fun, 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 you gotta move to the groove till you totally die, it's gotta liven you up, it's gotta liven you up, you gotta live your life to the fullest. Shibla. Everybody come let's have fun, everybody come let's have fun. इधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है। इधर जाने का नहीं, नौजवानों के लिए, देखो पीछे वालों के लिए ये अच्छा शेर भी सुनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सब आपको चिक्कीबाजी की बातें बता दी जाए। अच्छा शेर आपको सुना रहा हूँ मैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है। इधर जाने का नहीं, जमी रखनी पड़े सर पर। देखो सुना नहीं होगा कहीं आपने, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है। इधर जाने का नहीं, जमी रखनी पड़े सर पर, तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, जमी रखनी पड़े सर पर। बहुत उम्दा है, बहुत जमी रखनी पड़े सर पर, क्या बात है, तो रखो, क्या बात है, क्या बात है? चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, कमाल है, कमाल है। सुनिए शेर, जमी रखनी पड़े सर पर तो रखो, है दुनिया छोड़ना, खास तौर पर क्या, सभी को खास तौर पर ये शेर, इस वक्त मुझे यही शेर पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं साहब ये ऐसा माहौल चल रहा है, इस माहौल के लिए कुछ मत पढ़ देना, इस माहौल के लिए कुछ मत कह देना। मैं इसी माहौल के लिए शेर पढ़कर देखता हूँ अपने शहर में, और ख़ास तौर पर सतन गुरु मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी इस शेर पर, और आपसे दाद भी चाहूँगा ख़ास तौर पर। क्या बात? कह रहा हूँ कि चले हो तो ठहर जाने का नहीं, है दुनिया छोड़ना। एक एक शख्स, अगर मैं इंदौर का शायर सच बोल रहा है तो इंदौर के लोग सच्चाई की दाद दें, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, है दुनिया छोड़ना, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का ना। क्या बात है, क्या बात है, दुनिया छोड़ना मंजूर, क्या बात है, क्या बात है, दुनिया छोड़ना मंजूर, क्या बात है, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं,
और ये जिससे हमारे सत्तन गुदादा यहाँ सामने मवाले से बात कर रहे थे उसके लिए एक शेर है, वतन को छोड़कर जाने का मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का ना, क्या मेरे बेटे, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सड़क पर, शेर सुन के बताइएगा मुझे, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं, सड़क पर अर्थियां, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं, अभी माहौल मर जाने का न है, क्या सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं, अभी माहौल मर जाने का, माहौल मर जाने का वो, देखिए मैंने कहा ना कि मैं नाम नहीं लूंगा, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले, वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना है, वो गर्दन नापता है, क्या बात है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक मरतबा फिर दबंग दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो, आजा जा 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 जा, नहीं नहीं बिल्कुल कोई, मैं कोई मेरे मेरे हुजरे में, मेरे मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, क्या बात है, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, क्या बात है, आसमां लाए हो ले क्या आओ, बात है, क्या बात है, जमीन पर रख दो, और मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, क्या दो रोज पहले छत्तीसगढ़ के किसी इंटीरियर में था और वहाँ पर बहुत अच्छा शरीफ लोग सुन रहे थे, तो मैंने कहा कि यार ये ताक शायद समझ में ना आए, तो लोगों से पूछा कि यार ये बताओ कि ताक को क्या कहते हैं आपकी बोली में, तो हाँ ये देखिए कि यहाँ से आलिया बोला जी, तो मैंने कहा नहीं यार आलिया में तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, मैंने कहा जैसे ताक जैसा मैं बोल रहा हूँ सर, ताक बोलने में आना चाहिए मुझे मज़ा, तो ये कहेगा कि छज्जा, तो मैंने पढ़ के देखा कि मैंने जिस छज्जे में मैंने कहा अच्छा लगा मुझे छज्जा, मैंने कहा ताक से अच्छा लगा, क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगा भाई मुझे, बहुत अच्छा, मुझे मुझे एक शब्द भी मिला, ये मेरी हमारी उर्दू डिक्शनरी में इसको ऐड करवाएंगे कि ताक की जगह लिए ताक, उसके मीनिंग आएंगे छज्जा, तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने जिस ताक पे कुछ, आप तो सब जानते हैं कि ताक किसे कहते हैं, कि मैंने शेर बहुत अच्छा है, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं क्या बात, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो, अरे यार अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दोगे, क्या कहाँ ढूंढने जाओगे, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, क्या आप क्या तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, हो वो इंसाफ चाहूंगा, हो वो जमुना का किनारा ये कोई शर्त नहीं, बहुत अच्छा, अखबार के लोग रही लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, हो वो जमुना का किनारा ये कोई शर्त नहीं, हो वो जमुना का किनारा ये कोई शर्त नहीं, मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है कहीं पर रख दो, बहुत अच्छा, हो वो जमुना का किनारा बहुत अच्छा, ये कोई शर्त नहीं, हो वो जमुना का किनारा क्या ये कोई शर्त नहीं, मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है
कहीं पर रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब दोस्तों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। इस तरह दोस्तों दबंग दुनिया की जानिब से आरास्ता आज का ये खूबसूरत मुशायरा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। बहुत शुक्रिया दबंग दुनिया। अब वो स्वाद कहाँ, अब वो बात कहाँ। अब वो स्वाद कहाँ, अब वो बात कहाँ। अरे क्या हुआ, अब वो स्वाद कहाँ, अब वो बात कहाँ। शिमला सुपारी मिक्स ली, वही स्वाद वही बात। शिमला सुपारी मिक्स, वही स्वाद वही बात।